गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप सभी? मेरा नाम है आरजी कोमल और आप मुझे सुन रहे हैं आरजी कोमल टॉक्स पर। अच्छा, एक बात बताओ, कभी महसूस किया है कि किसी एक ट्रिप पर आप गए हो सेम दोस्तों के साथ और आने के बाद फिर से डिसाइड कर रहे हो कि अरे अगले महीने फिर से चलेंगे उसी जगह, इन्हीं लोगों के साथ, इसी गाड़ी में, इसी तरीके का माहौल होगा? और जब गए हो तो क्या उस तरीके का माहौल रहा है? नहीं, कुछ ना कुछ चेंज ज़रूर होता है। ये जो पूरा साल निकल गया ना, या आने वाला हर दिन जो रहेगा, उसमें आप कितना भी डिसाइड कर लो कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन ना, होगा तो वैसा ही जैसा आपने सोचा है, पर उसमें कुछ चेंज ज़रूर होगा, क्योंकि हर दिन तो एक जैसा नहीं हो सकता ना यार। जिस तरीके से सेम दोस्तों के साथ एक ही ट्रिप पर बार बार जाने पर सेम एक्सपीरियंस नहीं मिलता, उसी तरीके से ज़िंदगी का हर दिन एक अलग एक्सपीरियंस से बना होता है। और आप चाहो कि नहीं, सेम ही होना चाहिए, बिल्कुल अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस मिलने चाहिए, तो ऐसे थोड़ी ना होता है यार, ये तो आपको भी समझना पड़ेगा। साल ख़त्म होने वाला है यार, और ये जो वक्त है ना, ये ऐसा वक्त है कि बहुत सारे क्वेश्चंस मन में स्ट्राइक कर रहे हैं यार। जो हमने सोचा था 2021 स्टार्ट होने से पहले, वो हुआ कि नहीं हुआ? कितना टास्क हमने पूरा किया? हमारी प्लानिंग्स कहाँ तक पहुँची? और अब अगले साल क्या क्या करना है? ये सारी चीज़ें दिमाग में चल रही है। कुछ लोग तो कॉपी पैड लेकर लिख भी रहे होंगे, कुछ नोटपैड में मेंशन कर रहे होंगे, और कुछ जो महान प्राणी हैं वो अपने अंतर मन में ही ये सारी चीज़ें डिसाइड कर रहे होंगे। लेकिन एक बात बताओ, अच्छा तो ये जो प्लानिंग्स होती है ना, इन प्लानिंग्स में हमें खुद को भी रखना चाहिए। अक्सर जब हम प्लानिंग्स बनाते हैं ना, तो हमारी फिनेंशियल गोल्स, हमारे पार्टनर गोल्स, हमारे रिलेशनशिप गोल्स, हमारे अचीवमेंट्स, इन सब को लेकर बनाते हैं। उसमें हम तो होते हैं, लेकिन हमसे ज़्यादा लोगों की एक्सपेक्टेशंस उसमें इंक्लूड होती है। तो अब जब प्लान बनाओ तो खुद को भी रखना। थोड़ा सा गहरा था, समझ जाना। बाकी आरजी कोमल तो आपके साथ हमेशा है, आप भी अपने साथ रहिए ना। स्टे ट्यून्ड।